जो धोखेबाज पार्टी थी उससे हमें छुटकारा मिला, बिहार को छुटकारा मिला। कि भाजपा कहाँ रह गई और हमारा महागठबंधन कहाँ चला गया? हम लोग लगातार बोल रहे थे ये बैसाखी कब इन लोग का गिरेगा और कब ये जो है सरकार बदलेगी, और बदल गई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में नया गठबंधन बन गया है और आठवीं बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया और तेजस्वी यादव ने भी आज शपथ लिया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के विधायक और आरजेडी के विधायक साथ साथ होंगे और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, अब एक नया महागठबंधन बन गया है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, ये पहले ही बनना चाहिए था। इसमें थोड़ी देर जरूर हुई है लेकिन अब अच्छे से बिहार में विकास होगा। और जो धोखेबाज पार्टी थी उससे हमें छुटकारा मिला, बिहार को छुटकारा मिला। इससे बेहतर और कुछ नहीं है बिहार के लिए। हम लोग पहले भी अपना गठबंधन तो पिछले MLC चुनाव में भी हमने दिखा दिया और वैसा ही होना भी चाहिए था, क्योंकि पिछले चुनाव में ही साजिश का शिकार हम लोग बन चुके थे 2020 में। उसी वक्त हम लोग समझ लिए थे कि हमारे साथ छल किया गया है, वक्त आने पे जवाब देंगे, और वक्त आने पे हम लोगों ने जवाब दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सारे क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करने का प्लान कर रही थी, बिहार से भाजपा को ख़त्म कर दिया गया। यहां के मंत्री व अग्निवीर कहलाएंगे, वही लाए थे ये पॉलिसी और अग्निवीर मंत्री वही बन चुके हैं। जनता बहुत खुश है। अब दोनों मिलकर तरक्की होगी बिहार की? देखिए, स्वाभाविक रूप से तरक्की ही एक रास्ता है और उसके लिए हमारा महागठबंधन जो है संकल्पित भी है। और अब आप देखेंगे कि जो तरक्की है, जो खुशहाली है, वो बिहार के कोने कोने में जो आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं, जिनको जिनका विकास नहीं हो सका अब तक, अब विकास वहाँ तक पहुँचेगा। और ये गठबंधन मजबूत है और आने वाले चुनाव में भी हम दिखा देंगे कि भाजपा कहाँ रह गई और हमारा महागठबंधन कहाँ चला गया। भाजपा मुक्त बिहार बनने जा रहा है, ये भी आप जान जाइए। अगले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो नारा दिया था कि दूसरे पार्टी से मुक्त कराया जाएगा, भाजपा मुक्त बिहार अब बनने जा रहा है लोकसभा और विधानसभा में, ये आने वाले समय ही बताएगा। लोकसभा में भी बन जाएगा क्या? बिल्कुल। और जहाँ तक की बात है कि ये जो गठबंधन है अपने आप में, ये हमको याद है कि बहुत पहले भी हम बोले थे कि बैसाखी वाली सरकार है, कभी भी गिरेगा। हम लोग की कितनी बार बात हुई थी, हम लोग लगातार बोल रहे थे ये बैसाखी कब इन लोग का गिरेगा और कब ये जो है सरकार बदलेगी, और बदल गई। आज देखिए, आज मजबूत सरकार है, 160+ हम लोग हैं, है ना। तो ये अब यहाँ से जो है मजबूती के साथ हम लोग युवाओं की बात करेंगे और युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात। मजबूती से बात करेंगे युवाओं की और युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम किया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।